بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Good morning. Have a good day ahead. This year CAF6 taxation class. Today is Saturday. Jan 8. और वक्त हुआ है 10:03 और सब लोग जाग जाओ। अच्छा, कुछ छोटी छोटी ना चीजें मिसलिनियस सी वो थी, वो रहती थी हमारी चीजें कुछ, तो वो कल नोट्स हमने शेयर कर दी हैं, तो वो आज उनको हम डिस्कस करते जाते हैं। और माशाल्लाह 10:04 पे भी 38 बच्चे अभी तक, 38 स्टूडेंट्स अभी तक ऑनलाइन हुए हैं। इसका मतलब है बाकी बंग पी के सो रहे हैं। यही मैंने यही कहना, और मैं क्या कहूँ। चलें जी, स्टार्ट कर दें जी। अच्छा, ये रहा हमने क्या किया है कि जी, ये मैं आपको मिसलिनियस बेसिकली हमने कुछ चीजें जो आपके स्टडी पैक में दी गई थी और हमारा वो किसी जगह डिस्कस नहीं हुआ था, तो हमने उसको ना, मैंने जो है ना, वो हमने एक अलहदा एक मिसलिनियस का चैप्टर बना दिया, छोटे 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 मुख्तलिफ कंसेप्ट से। तो कुछ डिस्कस हुए थे, कुछ डिस्कस नहीं हुए थे, तो हमने उसका एक चैप्टर ही अलहदा कर दिया कि बजाय ये कि मुख्तलिफ चैप्टर पे मुख्तलिफ जगह पे हम जाके देखते रहें। तो ये आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए आपको हमने नवाला बना के दे दिया, बल्कि चबा के भी दे दिया। अब निगलना और हजम करना आपका काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये कभी कभी डेफिनेशन आती है जी कि जी फी फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स। अक्सर लोग जहाँ पे आके काम करते हैं, मशीनरी की इंस्टॉलेशन आप कह लें उसको, बाज़कात होती है, या किसी मैप के बारे में या डिज़ाइन के बारे में या मैनेजेरियल या कंसल्टेंसी सर्विस जो है, वो हर तरह की जो है वो एनी कंसिड्यूशन वेदर पीरियडिकल और सम लम सम बाद का होता है। 6 महीने आपने सर्विस में प्रोवाइड करनी है, हम आपको लम सम पेमेंट कर देंगे। ये पूरा डिज़ाइन आपने हमें करके देना है। अभी हमारा मसला लाहौर एक क्लाइंट है, वहाँ पे एक वो एक गोरा आया हुआ है, उसने सिर्फ उसने क्या करके देना है जी, उसने अपनी बिल्डिंग बनी हुई, उसने उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करके देनी है कि यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे ये कर दें, यहाँ शीशा लगा दें, यहाँ स्टील लगा दें, वो उसने पूरी डिजाइनिंग करके देनी है। वो भी एक तरह से हम एक एग्जांपल है फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, इंक्लूडिंग द सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है जी? आप कंसीडरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन रिलेशन टू ए कंस्ट्रक्शन असेंबली और ए लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द रेसिपिएंट्स, के जी वो तो फिर एक तरह से कंस्ट्रक्शन पूरा डैम, जैसे डैम लाइक आप डैम कह लें कि डैम के बनने के लिए वो उसने किया हुआ है, कहता है ये इसमें शामिल नहीं होगी। कंसीडरेशन व्हिच वुड बी द इनकम ऑफ द रेसिडेंट चार्ज अंडर द हेड सैलरी, आपने गोरा या एम्प्लॉई रख लिया तो फिर वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं रहा, वो तो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी बन गया। तो जब को गोरा यहाँ पे, जब मैं किसी को टेक्निकल सर्विस के लिए यहाँ मैं हायर करूंगा तो उसकी डेफिनेटली पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी, और जब पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी तो लॉ कहता है कि जनाब उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, बस कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई कुछ नहीं, दिस इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी फी फॉर टेक्निकल सर्विस वेयर द सर्विस गिव राइज टू ए फी आर रेंडर्ड थ्रू ए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन आया, उसने यहाँ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बना ली, उसने अपना बिजनेस सेटअप बना लिया, तो फिर तो इस हेड में फॉल नहीं करेगा ना, फिर तो उसका जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होगा कोई EOP होगी, कोई इसने एज ए उसने अपना यहाँ पे बकायदा बिजनेस नेम रख लिया, फिर वो इस हेड में नहीं आएगा, फिर तो उसकी इनकम बिजनेस बन जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ये एस जर्नल है, सेकंड स्केड्यूल में कुछ टेक्निकल सर्विस जो एग्जेम्प्ट करा दे दी गई है। एग्जेम्प्ट का मतलब आप समझते हैं, अब आपने इतना कानून पढ़ लिया है कि एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निकल सर्विस जिनके ऊपर टैक्सेशन की एप्लीकेशन नहीं है। एनी फॉरन पाकिस्तान सोर्स फी फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड बाय नॉन पर्सन टू होम द सेक्शन डजंट अप्लाई शैल बी ट्रीटेड द इनकम फ्रॉम द बिजनेस एट्रिब्यूट टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। अब वो इसकी बात कर रहा है, कहता ये कैसे टैक्स होगा, कहता ये NTR टैक्स होगा, वैसे तो FTR सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, लेकिन जब एक गोरे ने यहाँ पे एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बना लिया और वो यहाँ पे
हर बंदे को टेक्निकल सर्विस दे रहा है, उसने हमें भी दे दी, उसने किसी असेंबली प्रोजेक्ट यहाँ पे उसका बकायदा उसने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, तो फिर उसकी इनकम बिजनेस होगी। टैक्सेशन फॉर द इंस्पेक्टर ऑफ परमानेंट सैलरी इज नॉट एक्सप्लेन, जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वो सिलेबस में नहीं है जी, ये सिर्फ आपने इसको रीड आउट ही करना है। बस ये एक याद रखिएगा पॉइंट कि नॉर्दर्न के लिए जो है वो अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विस हैं तो डेट विल बी चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ द 15%। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? नहीं जी, चलिए मर्जी है जी आपकी, आगे चलते हैं जी। अच्छा ये फाइनल टैक्स रिजीम, अच्छा ये अब फाइनल टैक्स रिजीम या ग्रॉस इनकम बेसिस, फाइनल टैक्स रिजीम मतलब होता है आपकी ग्रॉस इनकम बेसिस, जाहिर है आप पर सेपरेट ब्लॉक या फाइनल टैक्स रिजीम एक जैसा ही है, आपके लिए एक जैसा ही है जी, अभी हम ये कहें जी आपके लिए एक जैसा ही है, वैसे बड़ा लिटिल बिट इसका फर्क है, बहुत माइनर फर्क है। और आप यकीन करें कि प्रैक्टिकली भी हम इसको इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं बाज़ का, हम कहते हैं ठीक है यार इसकी स्टेटमेंट ही जानी है, जो टैक्स कट जाता है वही फाइनल है, डिविडेंड है, बैंक प्रॉफिट फॉर यूरोपियन इंडिविजुअल है, फिर आपका क्या आ गया जी, और क्या आ गया जी, बैंक प्रॉफिट डिविडेंड आपका आ गया, प्राइस बॉन्ड आ गया, लॉटरी आ गया, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, किसी भी चीज की याद रखिएगा जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है किसी भी चीज की वो 1% भी टैक्स होनी है, ग्रॉस। एक्सपोर्टर जितना मर्जी नफा कमाए कोई गर्ज नहीं है, एक्सपोर्टर को लॉस हो जाए सरकार को कोई गर्ज नहीं है, अल्बर्ट तो एक्सपोर्टर को लॉस होता ही नहीं है क्योंकि हमारा अक्सर हमने देखा कि डॉलर प्राइस हमारी बढ़ती है, जितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड चाहे मैं गाड़ी एक्सपोर्ट करूं, सोफा एक्सपोर्ट करूं, मेज एक्सपोर्ट करूं, कोई भी चीज मैं एक्सपोर्ट करूं ना, तो डेट विल बी टैक्स अंडर द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये बात हमेशा याद रहे। और जब एक्सपोर्ट, जब भी हम फाइनल टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलनी, कोई यार तो सुबह सुबह किस प्रॉब्लम है, तो कोई उसको जो है वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होना, कोई उसको जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होनी, कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की लॉस नहीं बात करेंगे, जहां सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी किसी किस्म की कोई जो है वो आपको अलहदा से जिसको हम टैक्स क्रेडिट्स बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन बोलते हैं, वो आपको अलाउ नहीं होनी, जस्ट रीड आउट इट सेपरेट ब्लॉक, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी खैर डिस्कस भी कर बैठा हूँ। इस तरह आगे चलेंगे, रिफंड भी नहीं है जी, जाहिर है जी फाइनल टैक्स रिजीम। हाँ आप एक बात है कि एक्सपोर्टर देखे ना, मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स वो मेरी 1 मिलियन की है, 1 मिलियन के ऊपर 1% टैक्स है, अगर इसके अलावा मेरा कोई टैक्स कट जाता है वो रिफंड मिलेगा, लेकिन इसमें से मुझे कोई रिफंड नहीं मिलना, कटता ही 1% है, और ये हमेशा से होता है। और एक बात आपको और इंटरेस्टिंग बताऊं, जहां आपकी एफटीआर है ना वहां रियलाइजेशन बेसिस पे हम टैक्स करवाते हैं, जहां एफटीआर है फाइनल टैक्स रिजीम है वहां हम अक्रूअल बेस्ड टैक्स नहीं करवाते, उसकी वजह समझिए कि टैक्स कटता है आपका पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर, टैक्स कटता है आपका पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर, तो जो रिसीव हो गया हम उसको टैक्स करवा लेते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब एक छोटी सी, अब जरा काउंटिंग समझिएगा, काउंटिंग प्लेन पेज पे आइएगा, इनको चल समझा भी दें, अब मैं फिर अकाउंटिंग भी आने लगा हूं जी, इसको रेज करोगे तो फिर है ना, फॉर एग्जाम्पल चले जी अब आपका इम्तहान है एक्सपोर्ट, अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है, एक्सपोर्ट सेल दिखाई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा अक्रूअल बेस बनती हैं, जाहिर आपको पता है मेरा ख्याल है, एक्सपोर्ट सेल है 10 मिलियन जो के प्रॉफिट लॉस में दिखाई गई है, जाहिर है इसमें अक्रूअल, ओपनिंग डेटर है जी, आपको एक बात, ओपनिंग डेटर है जी, ओपनिंग डेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए गए थे 2 मिलियन के, क्लोजिंग डेटर दिखाए गए थे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 मिलियन के, और ओपनिंग
एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हमें बाहर से पैसे आए हुए थे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये लोकल नहीं है, सारे फॉरन है जी, फॉरन है जी, वो दिखाए गए थे जी 2 लाख के, और क्लोजिंग एडवांस दिखाए गए थे जी, क्लोजिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी फॉरन ही है। आप एडवांस और कस्टमर और डेटर में फर्क आप समझते हैं, मेरा ख्याल है इतनी का आपको अकल होनी चाहिए, क्या फर्क है जी? एनी बॉडी, डेटर एडवांस और कस्टमर में क्या फर्क है? अब उधर आसिफ जी, अब उधर डेटर हमारा एसेट है, और जो तुम्हारी एडवांस हैंड फ्री ठीक नहीं है, लायबिलिटी अब उधर तुम्हारी हैंड फ्री ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है तुम नशे में बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें काट रहा हूँ। हमजा हेलो हमजा, अब सर, बोलो। डेटर्स हमारे एसेट है। अब आ रही और आवाज़? हाँ पुत्र सीधी बात करेगा, डेटर में हम एक्सपोर्ट सेल कर चुके हैं और पैसे आने वाले हैं, सादा अल्फाज में बात किया करें, एडवांस में कस्टमर ने पैसे पहले आ गए, अभी हमने एक्सपोर्ट सेल करनी है, ठीक यस है? सर, चलें जी, ये फर्क है जी। अच्छा जी, अब आपकी अकल का इम्तिहान है। क्लोजिंग एडवांस पर कस्टमर दिखाया गया जी 1.5 लाख रुपया, और मैंने इसको रियलाइजेशन बेसिस पे टैक्स करवाना है, मैंने इसको रियलाइजेशन बेसिस पे टैक्स करवाना है। मैं अपनी रिटर्न में एक्सपोर्ट सेल रियलाइज कितनी दिखाऊंगा? एक्सपोर्ट सेल रियलाइज साल के दौरान कितनी हुई जी? आंसर प्लीज, आंसर जल्दी क्विक। अबू जरा आसिफ, कितना है जी? अबू, डेढ़ अबू जरा तुम्हारी हैंड फ्री ठीक नहीं है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही अबू जरा का, उसकी हैंड फ्री ठीक नहीं है। फरहान अमजद सर 1.5 मिलियन जी, 10,50,000 10,50,000 ऑफिस जी सर। नहीं जी, 10,50,000 मेरा ख्याल नहीं है, चले देखते हैं जी क्या है। एनी अदर पर्सन जी? अब उधर को तो म्यूट करो यार, अब उधर अपने आप को म्यूट करो आप। हाँ जी जनाब, क्या आएगा जी? जल्दी बोलें जल्दी, फिर हमें आगे भी पढ़ना है। मुगी सामिर, मुगी सामिर सर, जी, 11,11,50,000 11,15,000। अच्छा, फिफ्टी थाउजेंड 11,50,000। चले हमजा जी, हमजा सर, ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है 2 लाख और 1.5 लाख है ना 2 लाख और 1.5 लाख है, सर? 10.95 मिलियन। 10.95 मिलियन, दिस इज द राइट आंसर जी, 10.95 मिलियन इज द राइट आंसर। और देखो 10 मिलियन एक्सपोर्ट सेल थी, ओपनिंग डाटा में रियलाइज हो गए होंगे प्लस कर दें, क्लोजिंग डाटा में रियलाइज नहीं हुए माइनस कर दें, एडवांस पर कस्टमर पिछले साल रियलाइज हो गए होंगे माइनस कर दें, क्लोजिंग एडवांस इस साल आए होंगे प्लस कर दें, कितना? 10 लाख इतने बना, 10.95 मिलियन इज द राइट आंसर। ये एक्सपोर्ट से रियलाइज है, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, जिसकी इंट्रो पास है उसको आईकार ने सही पास नहीं किया, दिस इज एक्सपोर्ट से रियलाइज। मेरे अकाउंट्स में 10 मिलियन आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन जो मेरी रिटर्न है ना उसमें 10.95 मिलियन आ रही है, मैं रियलाइज बेस पे जाता हूँ। क्यों मैं रियलाइज पे जाता हूँ? इसलिए कि मेरा टैक्स रियलाइजेशन बेस पे कटता है, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, मैं टैक्स के साथ टैली रखता हूं अपना। बात समझ आई कि नहीं आई जी? ये बड़ी मैंने आपको पता की बात समझाई है प्रैक्टिकल, ये जब आप याद रखिएगा, अगर आप याद रखना चाहें तो आपको आर्टिकल में ये बात बड़ी काम आएगी। आगे चलें जी, यहां पे कोई सवाल तो बोलें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन तो बोलें जी। ये अभी मैंने आपको नॉलेज दिया है, इलम दिया है, इलम। मिनिमम टैक्स जी, मिनिमम टैक्स आपको पता है, एक तो जनाब हम पढ़ते हैं जी वो 113 है, अच्छा ये आपका पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमर्शियल इंपोर्टर की, ये 10% जी, ये हमारे ऊपर पार्कर हैंडल इसमें फंसती है जी, टैक्स कलेक्टेड
लॉ कहता है बिजली के बिल में अगर 360,000 तक आपका कोई बिल है तो उसमें जो टैक्स कट जाता है, लोग तो इतनी बात कम इनकम दिखाते हैं बिजली के बिल के ऊपर भी रिफंड क्लेम कर लेते थे बिजली का, हमारे कॉलेज में भी बिजली के बिल के ऊपर टैक्स लग किया आता है। तो लॉ गवर्नमेंट कहती है हमने वो नहीं वापस करना, 360,000 तक इससे ऊपर कहता हूँ वापस करेंगे। बल ये मैं आपको मिनिमम टैक्स आप पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ये पार्कर हैंडल या कोई भी चार्टर्ड कंपनी जो है इसके अंदर फंसती है टैक्स डेटेड सोर्स, कीजिएगा जरा जी मैं आपको समझा दूं। मिनिमम टैक्स आप पार्कर हैंडल की एग्जांपल ही ले लें, फर्गुसन ले लें, ईवाई ले लें, सारे ले जो मर्जी ले लें जी, सब के ऊपर यही चीज एप्लीकेशन होनी है, ऐसे ही सबके ऊपर अप्लाई होता है। मेरे हर क्लाइंट के ऊपर कंपलसरी है कि अगर मुझे मेरा क्लाइंट 1,00,000 रुपया मुझे के फीस देता है तो वो मुझे 10% मेरा टैक्स काटता है, मेरा टैक्स 10% काटता है, एंड दैट विल बी द मुझे रिसीव होते हैं 90,000। मेरे हर क्लाइंट के ऊपर कंपलसरी है। जैसे कल मैंने बताया कि मुझे जब FPR से पेमेंट होती है तो मुझे भी वो 10% मेरा टैक्स काट के मुझे पेमेंट करते हैं। जाहिर है हम मेरा क्लाइंट है, मेरे उसे टैक्स फीस आनी है, मेरे उसे ऑर्डर फीस आनी है, उसके ऊपर कंपलसरी है 10% टैक्स काट के पेमेंट करनी है। अब अज्यूम करें कि मेरी जो टोटल फी पूरे साल की है, अज्यूम कर लें जो मेरी टोटल फी जो पूरे साल की है वो ऐसे हम कहें जी कि 20 मिलियन है, 20 मिलियन है। अब 20 मिलियन के ऊपर जाहिर है मेरे तो ये तो मेरी ग्रॉस फीस है ना, ये मेरी ग्रॉस फीस है, इसके ऊपर मेरे एक्सपेंडिचर है, स्टाइपेंड है, सैलरीज है, बिजली का बिल है, ये है वो है जो मर्जी है जी, ठीक है। अब 20 मिलियन के ऊपर मेरा टैक्स कितना कटा होगा, टैक्स डेट कितना हुआ होगा, 2 मिलियन 10% के हिसाब से। अच्छा जी, अब टोटल मेरे जो एक्सपेंडिचर बनते हैं वो बनते हैं से हम कह लें कि 16 मिलियन। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया, 4 मिलियन। अब 4 मिलियन के ऊपर NTR पहले देखा जाएगा, NTR 4 मिलियन के ऊपर कितना बनता है जी, 6,20,000। मेरा टैक्स कितना कटा है जी, टैक्स जो मेरा डिडक्ट हो चुका है वो मेरा डिडक्ट हो चुका है 2 मिलियन। लॉ पता क्या कहता है, कहता जी तुम्हारी मिनिमम टैक्सेबिलिटी 2 मिलियन है, दिस इज मिनिमम टैक्स जी, हमें टैक्स बड़ा देना पड़ता है। एक और ज़ूम कर लें कि 20 मिलियन मेरी एक्सपेंडिचर है और मेरा जो टैक्स, मेरे जो एक्सपेंडिचर है वो मेरे हैं 12 मिलियन। मेरे एक्सपेंडिचर देखिएगा जरा 8 मिलियन में कितना बनता है, 8 मिलियन में टैक्स कितना बनता है, अच्छा 8 मिलियन ना करें, इसको करें 11 मिलियन। कि मेरे एक्सपेंडिचर 8 मिलियन तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 9 मिलियन। अब 9 मिलियन के ऊपर मैं जब NTR देखूंगा, 9 मिलियन के ऊपर NTR कितना आया, 9 मिलियन के ऊपर NTR आया 22,70,000, 22,70,000 NTR आया। मेरा टैक्स कितना कटा हुआ था, 2 मिलियन। अब हमें लॉ पता क्या कहता है, आपकी टैक्सेशन 22,70,000 है जी। अब आप ऐसे करें कि 22,70,000 आपकी टैक्सेशन है, 2 मिलियन आपका कट गया हुआ है और आप 2,27,000 और जमा करवा दें, 2,70,000 और जमा करवा दें। लो जी, यानी कि मिनिमम टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर, मिनिमम टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर हमारे ऊपर लगता है। एनी क्वेश्चन जी फरहान अमजद जी, फरहान सर ये तो वैसे बिजनेस के सूत्रों से बाहर निकल गया, इसमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस अगर आपको 16 मिलियन कुछ ने अलाउ कर दी है, 4 मिलियन के ऊपर 2 मिलियन है, मतलब 50% ऑफ द इनकम। हां जी, क्या करें जी, क्या करें, ये बिल्कुल असूलों के खिलाफ है, एग्जैक्टली बिजनेस के असूलों के खिलाफ है।
इस बात पे अब जो है हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि यार ये दिस अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ द टैक्स पेयर, बहुत टैक्स लगता है हमें सर्विस सेक्टर को, हम खास स्पेशली चार्टर्ड में बड़े रगड़े जाते हैं, आपको पता है कि ऑल्ड फीस हर चीज़ वो हम तो खुद कहते हैं कि हमारा टैक्स काटे 10%, और जो वकील शकील हैं ये तो वैसे वो कच्चे पैसे ले लेते हैं तो वी हैव टू पे सफा, हमें बल्कि अलोंग रिटर्न भी हमें जमा करवाना पड़ा। मैंने आपको बताया कि पार्कर रैंडल हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन टैक्स, हैव टू पे। तो सर ये जो मतलब इस तरह फर्म्स हैं जिस तरह आम लोग करते हैं अपनी इनकम कम शो करवा के तो उसको जो है ना टैक्स को छुपा लेते हैं या टैक्स कम पे करते हैं, ये फर्म्स तो नहीं कर पाती होंगी ऐसे, बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, होता है लेकिन मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट के ऊपर, जो क्लाइंट के ऊपर ऑडिट फीस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जी, ठीक है, उसने पेमेंट करनी है, वरना वो उसको एक्सपेंस डिसलो हो जाएगा, वो कहेगा तुसी चंगे मेरे कंसल्टेंट ने मेरे एक्सपेंस डिसलो कराता, इसलिए मुझे खुद कहते हैं कि भाई ना हमारा टैक्स काट लो, समझे बात। अच्छा सर एक और बात कि ये जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं फॉर एग्जांपल पार्कर रैंडल दिया, तो पार्कर रैंडल्स के जाहिर सी बात है कोई ना कोई एसेट्स भी होंगे जिन पे वो काम करती हैं, कम से कम कोई लैपटॉप कंप्यूटर तो हो गई। हाँ जी, तो प्रोफेशनल बॉडीज को ये जो एक्सपेंस अलाउड होते हैं इनमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होती है, मिलती है, जाहिर है यार मेरा फर्नीचर फिक्चर है जो भी, ठीक है, अब बस हमारा दिमाग ही डेप्रिसिएट होता है और तो कुछ नहीं होता बाकी मतलब सारा सारे एक्सपेंसेस वैसे ही हैं जैसे हाँ जी वैसे ही रेंट है, स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड हमारा बहुत है। अब पार्कर रैंडल में हमारे पास 86 स्टूडेंट्स आर ट्रेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास 25 एम्प्लॉइज हैं, मेरे टैक्स में खाली मेरे पास 5 मैनेजर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ा हुआ। चलो आगे चलें जी, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मुल्क है तो सब कुछ है, हमने इस मुल्क में रहना है, 22 करोड़ बंदा बाहर नहीं चले जाना। चलें जी अब आगे चलें, मिनिमम टैक्स रिजीम समझ आ गया जी, ये हम पढ़ चुके हैं जी, ये मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना जी, मिनिमम टैक्स ऑन सर्टेन पर्संस ये मैं पढ़ा चुका हूँ जी। इसमें एक चीज मैंने पढ़ाने वाली है, एक चीज पढ़ाने वाली है लॉस सेटिंग ऑफ लॉस पढ़ाने वाला जी इसमें, आगे चलिएगा जरा एक मिनट। अच्छा दो दफा टर्न ओवर डेफिनेशन पूछी जी, एक्सप्लेन टर्न ओवर विद रिस्पेक्ट टू द एज डिफाइंड इन द सेक्शन 113। अच्छा ये मैंने पढ़ाना है जी, हाँ मिल गया मुझे दिस वन, ये समझाने वाला जी। अच्छा टर्नओवर टैक्स मैंने आपको बताया था 0.25 से शुरू होता है और 1.5 तक जाता है, 0.25 नहीं अब 0.25 हो गया हुआ है, यानी कि मुख्तलिफ रेंजेस हैं मिनिमम टैक्स की, वो स्केड्यूल आप निकाल के शेयर कर दीजिएगा, 1.5 करें तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा ये चीज समझाने वाली जी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी, ये जरा एक दफा आप बात समझ लीजिए, प्लेन पेज पे ही है गली। अच्छा जी मिस्टर ए जी वो बिजनेसमैन है, उसकी सेल है जी 70 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल है जी 58 मिलियन, जीपी 12 मिलियन, एक्सपेंसेस 10 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 मिलियन, इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा जी, पहले टैक्स एनटीआर देखे क्या है, कितना टैक्स आ जी एनटीआर का 2 मिलियन के ऊपर टैक्स एनटीआर का क्या आया, ये जनाब है 2020 190,000, लेकिन टर्नओवर टैक्स कितना बनता है जी 113 कितना बनता है जी 10,50,000 है, 10,50,000 तो बेटा इसको कितनी टैक्स ड्यूटी देने पड़ेगी 10,00,000,
पचास हजार मिनिमम टैक्स है, देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। यहां तो कोई सवाल तो बोले जी, यहां तो कोई क्वेश्चन तो बोले जी, हम पढ़ चुके हुए हैं जी। हमजा सर, ये मिनिमम टैक्स जो है 1.5% है या 1.25%? 1.5% 1.5% 1.5% है। फरहान अमजद जी, फरहान सर, 1.5% ऑफ टर्नओवर 70 मिलियन, ये वही सेक्शन 115? हां 113 पुटर, 113 113 सेक्शन मिनिमम टैक्स। ओह सॉरी 113 पढ़ा के पढ़ाया यार, इसको क्लोज करो, फरहान को म्यूट करो, चैलेंज। अच्छा अब इसके खिलाफ ना जी लोग बड़े थे कि ये देखें जी, ये टैक्स हमारे साथ बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, बड़ा हमारे ऊपर जबर है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाल दी, गवर्नमेंट ने कहा कि ये टर्नओवर टैक्स आपने दिया है वो आप क्लेम कर लो। कब क्लेम कर लो? अगले साल क्लेम कर लो। अगले साल 2021 में इसी बंदे का सेम पर्सन, सेम पर्सन, उसकी सेल्स है से 90 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल है से 62 मिलियन, जीपी है 28 मिलियन, एक्सपेंसेस हैं उसके से 10 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 मिलियन। अब यहां पे एनटीआर क्या बनता है? एनटीआर और 113 दोनों कैलकुलेट कीजिए प्लीज। एनटीआर, एनटीआर बनता है 14,20,000 एनटीआर, अच्छा जी 54,20,000, सॉरी जी, चौवन लाख बीस हजार एनटीआर बनता है जी, और 113 कितना बनता है जी? 113 बनता है 13,50,000। ये बात जरा समझने वाली है, प्लीज समझिएगा। अब टैक्स लिमिटी क्या आ गई? 54,20,000। लेकिन लॉ पता क्या करता है? कहता 54,20,000 नहीं और जमा कराना। लॉ कहता है आप पिछले साल में चले जाएं, पिछले साल में आपने कितना एक्सेस टैक्स जमा कराया ड्यू टू 113 को बताएगा जी, एक्सेस टैक्स कितना आपने जमा करवाया ड्यू टू 113, 113 की वजह से कितना एक्सेस टैक्स जमा हुआ को बताएगा जी आप में से जी। मुही सामने सर 8,60,000, हाँ जी 10,50,000 माइनस 1,90,000, यानी कि 113 की वजह से मुझे कितना सेस टैक्स जमा कराना पड़ा? 8,60,000। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, अगर 113 ना होता तो मुझे कितना टैक्स जमा कराना पड़ना था? 1,90,000। 113 की वजह से मुझे कितना टैक्स जमा कराना पड़ा? 10,50,000। एक्सेस टैक्स मुझे कितना जमा कराना पड़ा? 8,60,000। सरकार कहती है अगले साल तुम जाके 8,60,000 लेस कर लो, मौज करो, और तुम ये बैलेंस टैक्स जमा करवाओ। बैलेंस टैक्स कितना है जी? 45,60,000। लो लॉ कहते अगले साल बेनिफिट ले लो जी। एनी क्वेश्चन जी? लो जी जी जनाब, कौन है जी? अहमद हसन जी, अहमद हसन। सलाम अलैकुम सर। वा सलाम।
सर इसकी भी कोई लिमिटेशन है कि इतने साल तक क्लेम कर सकते हैं? 5 साल तक। ठीक है, और अगर मतलब फर्ज करें 2 साल, ये 2 साल हमने 113 जमा करवाया है, तो दोनों सालों का अक्यूमुलेट करके तीसरे साल में बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन जी? लेकिन आपने 113 से नीचे नहीं जाना, मतलब कि मेरी एडजस्टमेंट यहां पे, अगर देखो ना एक और चीज देखो, अगर यहां पे मेरी एडजस्टमेंट आ जाती है बड़ी ह्यूज एडजस्टमेंट आ जाती है, लेकिन मैं 1350 से नीचे नहीं जा सकता, ये तो मैंने देने देना। एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको वैसे आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा भी तो आपको इतना ही आएगा जितना मैंने करवा दिया है। प्रैक्टिकल तो हम ये इसमें बड़ा लंबा खेलते हैं। एनी क्वेश्चन जी? ले जी, ये अब मैंने पढ़ा दिया जी, आगे चलें जी। अच्छा ये छोटे छोटे सवाल हैं जी, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जी, आगे चलें जी। फेयर मार्केट वैल्यू है जी, अब बात वो कहता है कि हर चीज की फेयर मार्केट वैल्यू असेस होनी है, आपकी अपनी मर्जी नहीं है कि जी आप जो है वो आप कहें जी 1000 की चीज है और 100 रुपये आप दिखा दें, और यहाँ पे हाजी साहब मुझे कहें जी मैं तो किराया जो है वो अहमद जबार मेरा बड़ा वाकफ है, तो मैं तो किराया सिर्फ जी 10,000 रुपये इस पूरे एरिया का ले रहा हूँ। कहता जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी डेट मस्ट बी असेस्ड ऑन दी फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस, दैट दी फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस। आप क्योंकि ये ना हो कि जी देखें जैसे हाजी साहब कहें जी मैं वो किराया घट बहा दो जी, रहन दो जी, बाकी मुझे कच्चा कैश दे दिया करें, ठीक है। तो कहता जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे डेट मस्ट बी असेस्ड ऑन दी फेयर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो भी आपकी सरकारी रेट। ये देखें इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये मतलब होता है सरकारी रेट है जी हर प्रॉपर्टी का, उसे आप कम नहीं दिखा सकते। रेंट है, ट्रांजैक्शन है, सेल है, जो ओपन मार्केट प्राइस पे है, ये उन्होंने सेक्शन रखा हुआ है ताकि टैक्स ऑफिसर आपकी बात को डिनाई करके वो अपने आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को असेस कर सकता है, ठीक है। अभी कल मेरा केस था तो उसमें टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, रेंट को असेस कर दिया, उसने कहा वहां फेयर मार्केट वैल्यू ये है, और टैक्स ऑफिसर भी गलती कर गया, वो प्लाजा था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सबको एक रेट लगा गया। अब देखें मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ी बात समझा रहा हूँ कैसा भी होता है, भला बंदा पूछे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को एक रेट लग सकता है, लेकिन उसने टैक्स ठोक दिया, अब क्या करेंगे, अपील करेंगे, मजबूरी है जी। हमारे यहाँ बेसिकली टैक्स में प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कहते हैं नहीं टैक्स पेयर ही गलत, हाँ टैक्स पेयर भी गलत है, हम लोग टैक्स देना भी नहीं चाहते, खराद देने में सबसे आगे हैं, डोनेशन देने में सबसे आगे हैं, टैक्स नहीं देना, तो उसकी वजह है बाज़कार, उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी भी है, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। यकीन करें कि बाज़कार ऐसा ऐसा टैक्स लगा जाता है बंदा खुद हम हैरान परेशान लगा जाते हैं कि कौन से सेक्शन में टैक्स लगा दिया, ये किस और किस ऑडियंस में टैक्स लगा दिया, हम तो ये भी सोचते होते हैं, लेकिन जब टैक्स ठुक जाए तो उसका कोई हल नहीं है सवाई ये कि आप अपील कर लें। आगे चलिए, रिसीट ऑफ इनकम है जी, रिसीट ऑफ इनकम जाहिर है जी, या तो आप एक्चुअल रिसीट्स बेसिस पे लेंगे या अक्रूअल बेस पे लेंगे या मेड अवेलेबल टू द पर्सन पे लेंगे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक रखेंगे, आप मेथड अकाउंटिंग बार बार चेंज नहीं करेंगे, आपको किसी की बिहाफ पे मिल सकता है, मैं कहूँ अच्छा यार मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैंने अपने क्लाइंट से आर्ड फीस लेनी, मैं कहता अच्छा यार तुम कजूम को डेट सैलरी दे दो, मैंने कजूम के पैसे देने हैं, तो भाई वो मेरी रिसीट है, वो मैं उससे बरी जुमा नहीं हुआ। आगे चलेंगे, ये छोटी सी इलस्ट्रेशन है देख लीजिएगा, ये आपका काम है जी। रिकोप एक्सपेंडिचर्स, अच्छा बाद एक्सपेंडिचर्स आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हैं लेकिन सब्सिक्वेंटली वो आपको रिकवर हो जाते हैं, मतलब मैंने कोई पेबल की एंट्री डाली, मैंने मार्कअप की पेबल की एंट्री डाली, बैंक से बैंक ने अगले साल जाके मुझे मार्कअप माफ कर दिया, तो भाई ना मेरी दोबारा इनकम बन जानी चाहिए, जब मैंने पिछले साल एक्सपेंस क्लेम किया है तो इस साल वो इनकम बन जाएगी। मैंने 100 रुपया
मेरी लिबर्टी थी, मैंने मेरा कोई पेएबल था, मैंने उसको जल्दी पैसे दिए, उसने कहा 90 रुपए दे दो, तो 10 रुपए अगले साल मेरी इनकम बन जाएगी, चाहे इन शेप ऑफ काइंड आ जाए या किसी भी सूरत में आ जाए, काइंड आएगी तो आप उसको रुपयों में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टैक्स आपको लगता है रुपए के ऊपर। आगे चलें जी, रिकॉप एक्सपेंडिचर, करेंसी कन्वर्जन, ये लॉ ने कहा जी कि आपने क्लोजिंग रेट लगाना है जी, आपका जो जाहिर है जो बैंक का रेट है, आपने वो जो क्लोजिंग रेट होगा जो स्टेट बैंक में होगा ट्रांजेक्शन का, आपने वो रेट लगा, डॉलर पर टैक्स नहीं लगता, हो सकता है मेरी ट्रांजेक्शन डॉलर पर हो जाए, तो आपने जो उस वक्त स्टेट बैंक का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपने उसको रुपयों में कन्वर्ट करके अपनी बुक्स में लेना है। ये नहीं है कि मेरी किताबों में किताबें भी डॉलर भी आ रहे हैं रुपए भी आ रहे हैं, नहीं, मेरी किताबों में सिर्फ रुपए आएंगे, क्योंकि टैक्स रुपयों के ऊपर लगना है। मेरा डॉलर अकाउंट है, मेरा पौंड अकाउंट है, मैंने कोई ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन का जो स्टेट बैंक का रेट है उस रेट के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस है तो कहता है क्लोजिंग बैलेंस को आप रुपयों में, मेरा बैंक अगर मैं कहता हूँ मेरे पास डॉलर अकाउंट सपोज अगर है नहीं है वैसे, ठीक है, तो 30 जून का रेट है, मैं वेस्ट स्टेट में क्या दिखाऊंगा, मैं उसको 30 जून का जो स्टेट बैंक का रेट होगा वो लगा के दिखाऊंगा। नेक्स्ट। हाँ जी, मैंने अगर बिजनेस बंद कर दिया जी, सपोज अल्लाह ना करे मैं कह जो आज मैंने कॉलेज बंद कर दिया और आप लोगों ने मेरे पैसे किसी ने मारे हुए थे, वो देने थे, वो कहते सर आपके पैसे साल बाद आ गए, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, साल के बाद किसी को याद आया जी एम बार की फीस देनी थी तो मुझे फीस देने आ गया, तो मेरी वो इनकम ट्रीट होगी, क्यों नहीं ट्रीट होगी, क्योंकि मैं तो बिजनेस बंद कर चुका हूँ तो, और उसके ऊपर मुझे टैक्स भी लगेगा, ये कानून कहता है। आप बताएं ना तो बता अलहदा बात है ना, सरकार को ना बताएं तो अलहदा बात है, लेकिन वो लॉ कहता है कि हम यही समझेंगे कि आपने बिजनेस बंद नहीं किया। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर, एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? आप सब लोग याद रखिएगा, मंगल को हम 9:30 पे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, इंशाल्लाह ट्यूसडे 9:30। आगे चलें जी। अच्छा जी, रूल फॉर प्रिवेंशन डबल डेरिवेशन एंड द डबल डेक्शन। अच्छा, ये किसके लिए है कि जनाब जो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी है, जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी है, या वो कह रहे डबल डेरिवेशन कि जी एक बंदा कह जी सफा अक्रूल कर लें, अगली दफा रिसीट बेसिस कर लें, अगली दफा रिसीट बेसिस कर लें, अगली दफा अक्रूल बेस कर लें, कहता वो इस चक्कर में कहीं वो हमारे साथ धोखा ना कर जाए, डबल डेक्शन ना ले जाए, एक दफा अक्रूल में डेक्शन ले ली, जब पेमेंट की फिर डेक्शन ले ली। ये वैसे ही बात है जनाब, मैं 10 किलो गंडे भी ले आया और 10 किलो प्याज भी ले आया, कानून कहता है आपने हमारे साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है, अक्रूर है तो अक्रूर रहे, जब अक्रूर से अगर आप सीट पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर आपने जो पिछली बातें हैं उसको एडजस्ट करना है, रिसीवेबल में भी इस तरह ही और पेएबल में भी इस तरह ही। आगे चलें जी। अच्छा लो जी, ये आपकी है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव फ्रॉम द लैंड, 3 कंडीशन है, ड्राइव फ्रॉम लैंड, लैंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड लैंड इज सिचुएटेड पाकिस्तान, 3 कंडीशन है एग्रीकल्चर इनकम होने की जरूरत की। मुझे ठेका आता है वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, और मैंने डारा है वो मैं रेंट पे पढ़ाया है, जो डारा है बिल्डिंग इज ओन्ड, जो जमीनों के साथ है इमीडिएट विसिनिटी, वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। मैंने फसल जो है वो मेरी मैंने बेची है, वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन मैं ट्रेडर हूं, अगर मेरी जमीन नहीं है, मैंने गंदम खरीद के बेची, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यही मसला है हमारे मुल्क में, महंगाई का जो आड़ती है ना जी भाई जान, जो आड़ती है वो आपको आना तेला टैक्स नहीं देता, हमारे मुल्क में तेला टैक्स नहीं देता, यकीन करें, दरमियान, और वही बंदा जो है वो आपका, हाफिज़ लतीफ़ साहब की बात सुनता हूँ, वही बंदा आपकी महंगाई का है। किसान तो बेचारा कमाते ही कुछ नहीं है, किसान क्यों मजबूर है, वो बंदा आड़ती उसके जाता है उसको पैसे देता है, जाओ खाद ले आओ, जाओ ये ले आओ, ये गंदम, ये फसल मेरी हो गई, थोड़ा सा प्रॉफिट देता है और कहता है गंदम खरीद लेता है। जो आपका आड़ती है वो आपका सही महंगाई का जरिया बनता है, जरिए जनास का।
सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो कमाता है और टैक्स आना नहीं देता। इसके लिए हमें इंडिया का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो रिलायंस फूड, इंडिया ने बड़ा अच्छा मॉडल डेवलप किया। उसने कहा जी डायरेक्ट फ्रॉम फील्ड टू द बायर, यानी कि खेत से उठाएं और डायरेक्ट जिसकी जरूरत है उसको दे दें, दरमियान से आड़तियां निकाल दें, आपकी महंगाई कम हो जाएगी। आप यकीन करें। हाँ जी हाफिज तीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम सर। सम टाइम हम ये ठेके के ऊपर जो से जमीन लेते हैं सर, जमीन के जो से होंगे वो तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, लेकिन जो उसके ऊपर वो हल चला रहा है, हाँ जी सर, उसकी कौन सी इनकम बिजनेस होगी फिर? हल कौन चला रहा है? वो भी उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। मैंने जमीन ठेके पे ले ली। यस सर। मैंने जमीन देखो, जमीन यूज फॉर एग्रीकल्चर, कंडीशन पूरी करो ना, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, यस। जिसको ठेका मिला उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम है। मैंने फसल वहां बीज के फसल उगाई, फसल बेची, मेरी भी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, ओके सर, ठीक। ट्रेडर नहीं आना इसमें, मुगी सामने ट्रेडर बड़ा कमाता है। सर अगर हमारा कारोबार यही है कि हम जमीनें ठेके पे देते हैं बस। हाँ जी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम है बस, फिर ओके। आगे चलें जी। हाँ जी, कैपिटल गेन में आगे चलें। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल। लो जी, ये जरा बात समझाने वाली है जी। चलें जी, ये जरा क्लीन पेज पे ये है जी। अब यहां पे ज्यूम करें कि मिस्टर ए है जी, उसकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्री लैंड पे उसने उगाई जी वीट। ठीक है, वीट बेचेगा, एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस मिस्टर ए की ना अपनी फ्लोर मिल भी है। आपको पता फ्लोर मिल ऐसे होती है लंबी, बहुत थोड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन ऊपर बॉडी ऊपर से गंदम डालते हैं तो नीचे से आटा, सूजी, मैदा, ब्रान, चोकर सब कुछ निकलता है। ठीक है, ये फ्लोर मिल उसकी अपनी है, ये एग्जेम्प्ट है, ये तो एग्जेम्प्ट नहीं है। यहां वो आटा बेचेगा, सेल ऑफ फ्लोर करेगा, यस करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर क्या चीज होगी? वीट। वीट सबसे उसका मेजर फैक्टर है कॉस्ट का। उसकी उसकी प्राइस क्या लेंगे? लॉ कहता उसकी प्राइस क्या लेंगे? क्या यहां को प्राइस लेंगे? बिल्कुल, लॉ कहता यहां प्राइस लेनी पड़ेगी, वरना तो उसका प्रॉफिट आसमान को लग जाएगा और वो तो उसको टैक्स ही बड़ा लग जाएगा फ्लोर मिल के ऊपर। कहता जी यहां कॉस्ट ऑफ वीट क्या लें? कहता जी जो वीट वो यहां से यहां लेके आ रहा है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लें। अगर फेयर मार्केट वैल्यू दस्तयाब नहीं है, कोई ऐसी वो स्पेशल चीज उगा रहा है, तो कहता फिर उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस एक्सपेंसेस ले लें, दैट इज अ कॉस्ट। क्या सीख समझ नहीं आई जी? सवाल बोलने जी, क्योंकि फ्लोर मिल टैक्सेबल है, एग्री फील्ड टैक्सेबल नहीं है। फ्लोर मिल टैक्सेबल है, एग्री फील्ड टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जब फ्लोर मिल टैक्सेबल है तो बेटा किसके ऊपर टैक्स देना है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस माइनस करके उसके ऊपर टैक्स देना ना। तो कहता कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे बड़ी चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ वीट। जी फरहान, तो इसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वीट कौन सी वाली लेंगे? क्योंकि किसान से जब गंदम निकलती है तो वो बहुत ही सस्ती निकलती है, या कोई भी अगर क्रॉप निकलती है ना तो वो बहुत सस्ती निकलती है। गंदम का पुत्र सरकारी रेट भी होता है ना। जी जी, लेकिन वो सर वो किसान के रेट से भी बहुत ज्यादा होता है, किसान तो उस रेट से कहीं काम पे देता है। वही लेंगे जो सरकारी रेट होगा।
सही हो गया। और सर इस तरह की कोई अगर आपको सवाल आता रेट तो, नहीं होता, अगर आपको सवाल आता है तो आपको रेट गिवन होगा, आप टेंशन ना लें। ठीक हो गया, ओके सर, ठीक है, ओके ओके सर। ये नहीं आपको वो कहेगा जी रेट खुद निकाल लें। एक दफा सवाल आया था, उसने इसका सवाल पूछा था, तो उसने थोड़ी सी ना एक और, खैर मैं समझता हूँ इस तरह की बच्चों से बात पूछनी चाहिए, उसने इधर दे दिए थे क्विंटल्स, इधर दे दिए टन, इस तरह का उसने कोई किया था मेरा ख्याल है। खैर उसने नीचे लग दिया हुआ था कि एक क्विंटल से कितने टन और कितने केजीज बनते हैं, वो बच्चों ने बड़े बाद में देखा, तो कईयों ने वो क्विंटल से जरब दे दी, कईयों ने केजी से जरब दे दी, किसी ने टन से जरब दे दी, तो कईयों का सवाल गलत हो गया। और नीचे वाले उसने आपको इक्वल्स दिया हुआ था जी। नेक्स्ट उधर आ जाइए, ले जी आगे चलते हैं जी। अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया मेरा ख्याल है जी। यूनाइटेड नेशन का कोई मुलाजम है तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, और आपके ये जो आपके बन जाते हैं एम्बेसडर्स, ठीक है जी, उनकी उनकी सैलरी भी, वो भी एग्जेम्प्ट है जी, क्योंकि वो रेजिडेंट बाद अगर बन जाते हैं। आगे चलो जी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जी आपका कोई, तो उसके तहत कोई एड आती है हमें, जापान ने कहा जी हम पाकिस्तान में फलां जगह पे नलके लगाएंगे जी, ठीक है जी, वहां से टीम आ गई, सारी इमदाद जापान ने दी, और हम कहें जी वो नलके लगाने वाला बंदा है उसको टैक्स लगा दो, नहीं उसको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। इस तरह को लोग, आपको पता है कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों की इमदाद करते रहते हैं, तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत जितनी भी होगी डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। आगे चलें जी। प्रेजेंट ऑनर आपको ये जो सदारती तमगा अवार्ड मिलता है जी, ये अब 23 मार्च को अब मिलता है ना, उसने कारकर्दगी, ठीक है जी, वो मैं वो शिजात को भी मिला जी, ठीक है, तमगा उसने कारकर्दगी, तो क्या वो एग्जेम्प्ट है जी, उसमें पैसे मिलते हैं, खाली तमगा नहीं मिलता, जमीन भी मिलती है। प्रॉफिट डेट है जी, अगर कोई नॉर्दर्न पर्सन पाकिस्तान में सिक्योरिटी इन्वेस्ट करता है, उससे उसको मार्का पाता है, तो डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन कंपलसरी ये है कि वो नॉर्दर्न हो, और से पाकिस्तान की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हो, और पाकिस्तान की किसी कंपनी ने बकायदा सिक्योरिटीज बाहर लॉन्च की हो, तब उसका जो प्रॉफिट डेट है डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपका ये जो अभी वो कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है वो मोहम्मद कासिम, सलाम सर। वास्सलाम सर, ये जो आपने बताया था कि बाहर से एड आती है, तो उस पे कोई वो नलके लगाने वाले उनकी इनकम एग्जम्प्ट होगी, तो सर अगर के कोई इस तरह एड दे के आप हम आपका ये काम कर दें, और मतलब उधार पे पैसे आप बाद में दे देना, फिर भी एड उधार चुंदी है ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਕਸਮ ਏਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਰ ਉਹ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਏਡ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ वेरी मजा आया यार आपके सवाल का, आई रियल एंजॉयड योर क्वेश्चन, लव यू यार। कोई बात नहीं, हाँ आप बताओ सवाल दोबारा बोल दो, चलो तुम। सर वो जिस तरह डैम बना रहे हैं चाइना सी पैकेट है, तो पुत्र वो सी पैकेट है, बट डैम तो करना ही है, तो मैं जो आ रहा है वो उधार एड नहीं है, एक तो बात याद रखिएगा, चाइनी है और जूझ मजूझ की कौम हैगी कमीने सानू लोन देन दे ने वो अल्लाह दा बाद साफ टर्म्स पे ऊपर है, ठीक है, एड आपकी डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, ठीक है, ठीक है सर, सही, ठीक है सर, ओके थैंक यू। आगे चलें जी। अच्छा जी स्कॉलरशिप है जी, आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है सरकार की तरफ से वो भी एग्जेम्प्ट है जी, ठीक है,
और सपोर्ट पेमेंट टू लिव अपार्ट, ये देखे ये हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो जाती है, आपको पता है पाकिस्तान का कानून है, इस्लाम का कानून है, बेसिकली पाकिस्तान का कानून नहीं वो इस्लाम का कानून है कि अगर वो हबी एंड वो वाइफ वाइफ में दोनों में सेपरेशन हो जाती है तो आपको पता है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि बेशक उसने उसको पेमेंट जरूर करनी है, उसको लिव अपार्ट के लिए, उसके रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए उसे तो खर्चा जरूर देना है। और अगर हस्बैंड को मसल स्पेस हम कह रहे हैं जी 1,00,000 रुपया पर मंथ देता है तो वाइफ के हैंड में आ रहा है, तो वाइफ के एंड हैंड में जाएगा, वो लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? ये इस्लामिक बात थी जी। अच्छा जी, एग्जम्पशन मुख्तलिफ तरीके, हाँ जी सवाल सवाल सुन लें जी पहले जी। हमजा सर यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप नॉट पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एसोसिएट। हाँ जी एसोसिएट्स मींस के जी वो मैं ही है स्कॉलरशिप, मैं जी जिन्हें साहब के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाऊं, ठीक है ना? एक तो यार पढ़िया नहीं मसला हुआ, आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर यू हमजा। अब सर आवाज आ रही? अब आ रही है। एसोसिएट मतलब कोई जान पहचान वाला कोई करीबी? मैं बता रहा हूं ना कि मैं निशान साहब के बच्चों को स्कॉलरशिप कॉलेज दिया जाऊं। ठीक है सर। ठीक है, हां जी। एसोसिएट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़नी है, वो सेल टैक्स में जाके पढ़ेंगे, वहां दी हुई है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स में डेफिनेशन सेम है। अच्छा एग्जम्पशन है जी, आपको एग्जम्पशन गवर्नमेंट देती है, टैक्स रेट में रिडक्शन भी देती है, टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन भी देती है, या वो कहती है कि फलां आपकी कानून पे प्रोविजन जो है वो नहीं अप्लाई होती। लाइक ये फीडबैक में, फीडबैक में उन्होंने कहा जी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, जितना 10 साल के लिए कोई प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं है। ये जो आपका साइया वाला पे फीडबैक में आपका जो साइया वाला पे जो आपका इंडस्ट्रियल स्टेट लग रहा है, उन्होंने कहा वहां इंडस्ट्री लगाए, नफा कमाए, नो टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट चलाक बड़ी है, गवर्नमेंट ने 113 से एग्जम्पशन दी, 113 देना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर एग्जम्प्ट किया, ठीक है जी। सरकार भी बड़ी चलाक है, वो एग्जम्पशन देनी तो पूरी तरह दे, ये तो दूध में मेंगने डालने की वाली बात है कि 1.5% देने देना है और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं, यानी कि वहां पे सिर्फ मिनिमम टैक्स की अप्लाई होगा। फिर वो लॉ कहता है ये एग्जम्पशन जिसको दिया वो ही लेगा, ये नहीं है पूरा जहान ही एग्जम्पशन लेता रहे। ओ जी मेरी इंडस्ट्री ट्रेड की कंध नाल लगती है, मैनु भी एग्जम्पशन दे दो। बात समझ आई कि जी हमें 1 मील का फासला सर जी, मैंने फैक्ट्री उधर लगाई हुई है तो वो इंडस्ट्री ट्रेड के पास ही है जी, मुझे भी एग्जम्पशन दे दें। तो इस तरह की एग्जम्पशन नहीं मिलनी, तक कैसे एग्जम्पशन नहीं मिलनी, एग्जम्पशन उसी को मिलनी है जिसको दी गई है। ठीक है आगे चलें जी। फिर एग्जम्पशन सारी आपकी सेकंड स्केड्यूल में है जी, रेट हर चीज आपका सेकंड स्केड्यूल में है, ये जनरल सी बात है। चलो आगे चलें, ये हमने पढ़ लिया हुआ जी, वो डोनेशन और वो ये सारा पढ़ लिया हुआ, आगे चलें बस जी, खत्म हो गया जी। स्पोर्ट्स बोर्ड इनकम ट्रेड बाय स्पोर्ट्स बोर्ड, ये स्पोर्ट्स बोर्ड जो हॉकी वर्ग स्पोर्ट्स बोर्ड, उनकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन पीसीबी की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। ये किसी जमाने में पीसीबी की इनकम भी एग्जेम्प्ट होती थी, फिर उनका नहीं जी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टैक्स देगा जी, बड़ा कमाता जी, बड़े वहां वहां छुरियां फेरते हैं जी। आगे चलें जी, ये फुल टाइम टीचर हमने पढ़ ली हुई है। चलें जी, ले जी, आहा अथर रह गया। ये जी कोई बंदा ना अथर, ये जरा समझ लीजिए, ये कभी कभी सवाल एक दो तीन दफा आया हुआ है, तो मेरे जैसा बंदा जी, चलें जी मैंने किताब लिख ली, दो तीन साल लगे मुझे किताब लिखते हुए। एक होता है प्रोफेशनल राइटर, जैसे ये पेटी वाला मुनव्वर साहब, ये इनकी इनकम बिजनेस है। कभी को मेरे जैसे बंदे ने किताब लिख दी, 3 साल मैं को किताब लिखना शुरू की, मैंने ईयर 1 में काम करना शुरू किया, फिर मैंने ईयर 2 में काम करना शुरू किया, काम मैं करता जा रहा हूँ। ईयर 3 में आके ना जी, पहले लॉ कहता है एक्सीडिंग 24 मंथ, एक्सीडिंग 24 मंथ। अगर आपको सैलरी रिसीव्ड इन एरियर याद हो जी, वही कंसेप्ट है, सैलरी रिसीव्ड इन
एरिया। ईयर थ्री में जाके मैंने किताब लॉन्च कर दी, जैसे वो मुशरफ ने किताब लिखी थी जी एक दफा, जैसे इमरान खान ने भी किताब लिखी हुई है मेरा पाकिस्तान, ठीक है जी, यानी कि नॉन प्रोफेशनल राइटर। ईयर थ्री में किताब लॉन्च की और हम कहते हैं उसको कट्ठा मिला जी, कट्ठा मिला 6 मिलियन। तो किताब तो यहां से लिख रहा था, तो कहता 6 मिलियन कट्ठा टैक्स नहीं करेंगे, पीछे रह जाएंगे, 2 मिलियन यहां टैक्स करेंगे, 2 मिलियन यहां टैक्स करेंगे, 2 मिलियन टैक्स यहां करेंगे, बराबर तकसीम डिवाइड बाय 3। 4 साल भी लग गए फिर भी डिवाइड बाय 3, 5 साल लग गए फिर भी डिवाइड बाय 3, लेकिन अगर 2 साल लगे फिर पूरी टैक्स हो जाएगी, एक्सीडिंग 24 मंथ। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन जी? हफरान, अच्छा इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे सारे को, और आप क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपके ये क्वेश्चन भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ये जो 6 मिलियन है इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ईयर 3 में जो टैक्सेबल 2 मिलियन है जस्ट उसके ऊपर हम टैक्स देंगे या रेयर्स का टैक्स भी देंगे? पीछे भी जाके टैक्स करेंगे, सैलरी रिसीव्ड इन ईयर बेटा, याद है जी? जी ठीक है, ओके सर। परसों जब आए ट्यूसडे को आप जब आएंगे तो पहला सवाल मैं यही कर लूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दे दूंगा। ओके सर, घंटा बोल के मैं थक गया हूं यार। ट्यूसडे वाले ट्रीट भी याद रखिएगा सर। ट्रीट यार वही बंद है सारा कुछ, चले आपको कुछ ना कुछ खिलाएंगे आपको, ठीक है जी, इंशाल्लाह तआला आपको कुछ ना कुछ ट्यूसडे को खिलाएंगे। ओके सर, अरेंजमेंट कर देंगे, बॉक्स वगैरह बनवा लेंगे, ठीक है जी। तो ट्यूसडे को यू शुड बी एट 9:30 शार्प हियर इंशाल्लाह अजीज, 1.5 घंटे उस दिन 10:30 को क्लास है कुछ, एक सेकंड प्लीज आप होल्ड कीजिएगा। सर 1.5 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है मेरा। एमला में तो आप कोई भी नहीं है ना, चलें बाबा जी इंशाल्लाह ट्यूसडे 9:30 ताकि मैं सिर्फ फिर हम दोबारा 4 दिन के लिए वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, उस दिन आपकी ट्यूसडे को पार्टी भी होगी जी छोटी सी। और हमजा को क्या प्रॉब्लम है जी? हमजा पहले यार अपने हैंड फ्री ठीक कर जी। हमजा अब सर आ रही है आवाज ठीक? हाँ जी आ रही है सर। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा? हो जाएगा, आज का लेक्चर अपलोड कर देना जी। ओके सर, थैंक यू। और सर एम ला के कुछ स्टूडेंट्स हैं यार, उठे पढ़ लेने के कुछ नहीं हो गया जिशान, ठीक है सर। वो आप ट्यूसडे लेक्चर अपलोड कर देंगे। अच्छा तो उस दिन ट्रीट भी होगी जी, और हम और फिर 4 दिन के लिए हम फिर जुदा होंगे इंशाल्लाह ताला, और मंडे को हम फिर इंशाल्लाह ताला 18 जनवरी को हम फिर मिलेंगे। चलें 12-15 दिन होंगे क्लोजिंग जो है वो हम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हो जाएगी। बहरहाल मैंने एक और रिक्वेस्ट डाली हुई आई कैप को, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, आई एम गोइंग टू राइट एन ईमेल, मैंने ऑलरेडी ईमेल लिख चुका हूँ आई कैप को, उन्होंने कहा जी कंसीडर करते हैं, जाहिर है इट्स नॉट अ स्मॉल इशू कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की हुई है, वो मैं मंडे को बताऊंगा क्या की हुई है ट्यूसडे को, अभी यहाँ नहीं बात करते। तो लेट्स सी ट्यूसडे 9:30 फिजिकल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।